लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया था, बिजली काट दी गई, बिल का बकाया होने पर ये कनेक्शन काटा गया है। गोमती रिवर फ्रंट की बिजली को काट दिया गया, शारदा खंड को है रिवर फ्रंट की जिम्मेदारी, जल शक्ति विभाग का शारदा खंड जिम्मेदार। आदेश के बाद भी आपको बता दें कि नहीं जमा हुआ बिल, आदेश दिया गया था लेकिन बिल को जमा नहीं किया गया। शारदा खंड सिंचाई विभाग ने कनेक्शन लिया था गोमती रिवर फ्रंट के लिए, 3 कनेक्शन लिए थे और बिल नहीं भरा गया, जिसके बाद देखिए गोमती रिवर फ्रंट की जो बिजली थी उसको काट दिया गया है, कड़ा एक्शन लिया गया है। 5 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया था, काफी बड़ी राशि थी 5 करोड़ की। संजय चौहान हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, देखिए गोमती रिवर फ्रंट की बिजली काट दी गई है, बिल काफी ज्यादा बकाया था, 5 करोड़ रुपए का बिल था। जब पहले आदेश हो गया था बिजली बिल भरने का तो जमा क्यों नहीं किया गया, इस वक्त का इंतजार था क्या? बिल्कुल, बताऊं आपको कि कई बार पत्राचार किया गया है बिजली विभाग के द्वारा, जल शक्ति विभाग के शारदा खंड को, लेकिन ये आश्वासन केवल दिया गया था कि नई बिजली का बिल जो बकाया है वो जमा कर दिया जाएगा। इसके पहले भी 2 घंटे के लिए बिजली काटी गई थी, लेकिन रिवर फ्रंट के शारदा खंड सिंचाई विभाग के अधिकारी इस बात को सीरियस नहीं लिया और जिसकी वजह से रिवर फ्रंट की जो बिजली है वो काट दी गई। इसके 3 कनेक्शन थे जिन पर 5 करोड़ की भारी भरकम राशि बकाया है और जिसकी वजह से ये बिजली काटी गई है, क्योंकि वहां पर शाम को वहां पर तमाम लोग घूमने आते हैं और ऐसे में जब रिवर फ्रंट की बिजली कट गई है तो वो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। तो ऐसे में ये विभाग की ही एक खामी है कि बार बार रिमाइंडर मिलने के बाद उसके बावजूद जो है पैसा जमा नहीं किया गया। लापरवाही है, आदेश दिया गया था बिजली बिल भर देना चाहिए था, शायद बिजली ना कटती।